हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आप लोगों की काफी क्वेरीज आ रही थी कि एक बार सर प्लीज छत्तीसगढ़ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनका रिव्यू कीजिए कि वहां पे कितने मेडिकल कॉलेज हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स है, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए कितनी सीट्स है, फी स्ट्रक्चर क्या है वहां का और क्या कट ऑफ जाती है, इन सब के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उन 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से लास्ट ईयर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो एक शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और दूसरा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रायपुर में है, इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। एक नया मेडिकल कॉलेज इस बार और आ रहा है तो हो सकता है उनमें भी एडमिशन इस बार हो। तो चलिए ओवरऑल आज रायपुर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अदर 2 मेडिकल कॉलेजों की बात करेंगे। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में है। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 2012 में स्टेबलाइज हुई थी और इस मेडिकल कॉलेज में 650 बेड की हॉस्पिटल प्रेजेंट है, 650 बेड की हॉस्पिटल प्रेजेंट है। ओके, अब सीधे सीधे इसकी सीट्स की बात करें कि भाई एमबीबीएस अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो कितना सीट्स है बेसिकली छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, टोटल 150 एमबीबीएस की सीट्स है, 150 एमबीबीएस की सीट्स है, राइट। और उन 150 में से 22 सीट्स जो है वो आपका एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है और 64 सीट्स आपका छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए है और उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कोटा सीट। हालांकि ये गवर्नमेंट कोटा का नाम दिया है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई फीस गवर्नमेंट कोटा के लिए कम लगेगी, अभी वो सारी चीजें देखते हैं। गवर्नमेंट कोटा सीट्स और 64 और जो सीट बचा हुआ है वो है मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है। अब देखिए डिफरेंस क्या है इनमें, जो आपका एनआरआई सीट्स है वो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होगी और इसकी फी स्ट्रक्चर भी हाई होती है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। और जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए 64 सीट है, मतलब वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है, इसलिए वो गवर्नमेंट कोटा सीट्स का नाम दिया गया उसको। और 64 मैनेजमेंट की सीट्स है जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब ये गवर्नमेंट कोटा सीट्स और ये मैनेजमेंट कोटा सीट्स दोनों की फीस सेम होती है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितनी फीस है, राइट। ये बात हो गई ओवरऑल। तो चलिए सीधे सीधे फी स्ट्रक्चर देखते हैं कि फी स्ट्रक्चर आपका कितना है। अगर इस मेडिकल कॉलेज में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है आपका 6,156 है, 6,156। ओके, ये इसका ट्यूशन फीस है। कॉशन मनी की बात करें तो कॉशन मनी यहाँ पे 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपीज है। ये वन टाइम लगती है, एक बार ही देना पड़ेगा आपको कॉशन मनी। अब क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्ट के नाम से फीस यहाँ पे लेते हैं, वो आपका 80,000 रुपीज है। क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्ट के नाम पे फीस लेते हैं, वो आपका 80,000 है। स्टूडेंट वेलफेयर फीस भी यहाँ पे लगती है आपको, जो आपका 20,000 रुपीज है, 20,000। ओके, स्टूडेंट वेलफेयर फीस 20,000 रुपीज आपको लगेगा। उसके बाद में यूनिफॉर्म आईडी एंड लाइब्रेरी फीस लगता है वहां पे, जो आपका 10,000 है, 10,000। ये आपका वन टाइम है। ओके, नेक्स्ट और देखिए एडमिशन फॉर्म फीस, ये भी 10,000 लगता है, ये भी वन टाइम है, ये भी आपका वन टाइम है। और देखिए हॉस्टल चार्ज एंड मेस चार्ज, हॉस्टल और मेस दोनों इंक्लूडेड है इसमें, वो आपका 2,00,000 रुपए के आसपास में लगेगा, 2,00,000 रुपीज पर एनम। ओके, मिसलेनियस चार्ज यहाँ पे आपका 35,000 रुपीज है,
35,000 रुपीज मिसलिनियस चार्ज। एक और चार्ज यहाँ पे लेता है कौशल प्रयोगशाला शुल्क, कौशल प्रयोगशाला शुल्क में ये लेता है 38,000 रुपीज। ये भी आपका पर ईयर लगता है। ओके, पर ईयर। अब देखिए एक बार टोटल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि ट्यूशन फीस आपका हो गया 6,156,156, कॉशन मनी 20,000 वन टाइम लगेगा, क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्ट आपको 80,000 पर ईयर, स्टूडेंट वेलफेयर में आपका जिम और कुछ चार्जेस है वो आपका इसमें इंक्लूड है 20,000 में। यूनिफॉर्म आईडी एंड लाइब्रेरी चार्ज 10,000 रुपए लगता है, राइट, आपके यूनिफॉर्म के नाम से और लाइब्रेरी के चार्ज के नाम से, ये भी वो एक बार ही लेगा आपको। एडमिशन फॉर्म फीस 10,000 रुपए एक बार लेगा। हॉस्टल चार्ज आपको पर ईयर देना है, राइट, और मिसलिनियस चार्ज 35,000 एंड ये आपका लेबोरेटरी के नाम से है, समझिए कौशल प्रयोगशाला, मतलब 38,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा। अब इन फीस को अगर टोटल करें तो टोटल फीस होती है इसका 10,13,156 आपको टोटल फीस के नाम पे यहाँ पे आपको पे करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ चेंजेस आए, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, 1-1.5 लाख का फर्क भी आएगा, तो फिर भी छत्तीसगढ़ में जो फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल अदर स्टेट के कंपेयर में देखें तो काफी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, राइट, बहुत कम फी स्ट्रक्चर है अदर स्टेट के कंपेयर में, मतलब 45 से 50 लाख के अंडर में आपका यहाँ पे पूरा MBBS कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको और किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो अभी और देखिए पहले कि भाई अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए सिर्फ 64 सीट्स है इस मेडिकल कॉलेज में, और एक और मेडिकल कॉलेज है उसमें भी इतना ही सीट होगा अदर स्टेट के लिए, तो सीट काफी कम है, फी स्ट्रक्चर काफी रीजनेबल है। इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ हाई जाएगी, क्या होगी, कट ऑफ हाई जाएगी। तो एक बार कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कितना जा सकता है, देखिए अगर छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है इसमें कट ऑफ की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है उसकी कट ऑफ गई थी 493 नीट मार्क्स। अब वहीं पे आपका मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, कितनी, मैनेजमेंट कोटा की सीट गई थी आपकी 583 में, कितना में गया था, 583 मार्क्स में फर्स्ट राउंड में मिला था, इनफेक्ट सेकंड राउंड में थोड़ी सी कट ऑफ डाउन गई थी और वो आपका 570 या 572 के आसपास में गया था। अगर मैं एक एवरेज मान के चलूं तो 560 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, कितना, 560 प्लस मार्क्स आपके नीट में होने चाहिए तब जाकर के आपको अदर स्टेट के स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ में कॉलेज मिल सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जब लास्ट ईयर जब काउंसलिंग हो रही थी तो काउंसलिंग टाइम में काफी मतलब वेरिएशंस था वहां पे, काउंसलिंग कभी डेट आई फिर कैंसिल हुई, बहुत सारे इशू हुए थे, बच्चों को परेशानी भी हुई थी वहां पे जाने आने में। तो ध्यान क्या रखना है इस बार अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कम अज कम मार्क्स आपके 560 से प्लस हों, 560 से प्लस होंगे अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए तो उनको यहाँ पे आसानी से कॉलेज मिल सकता है। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि भाई आप अपना अदर बैकअप प्लान भी लेके चलिए, क्योंकि अगर आपको एडमिशन लेना ही है इस बार तो आप अदर स्टेट में भी अपना बैकअप प्लान लेके चलिए कि आपका सीट कहीं नहीं छूटे। बाकी आप के मार्क्स अगर हैं इतने 560, 570, 580, इनफैक्ट 590 के आसपास में मार्क्स हैं आपके, तो आप रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के लिए वेबसाइट इन्होंने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, वो वेबसाइट का नाम है CGDME। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको CGDME की वेबसाइट पे मिलेगी, इस वेबसाइट पे इसकी पूरी काउंसलिंग होगी। तो देखिए मैंने अब तक क्या बता दिया आपको, मैंने कॉलेज के बारे में बताया कि ये कॉलेज रायपुर में है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 2012 में स्टेबलाइज हुआ था,
और आगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बताया कि 22 सीट्स एनआरआई कोटा के लिए है, 64 सीट्स छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोटा की सीट्स, कट ऑफ इसकी 493 के आसपास में गई थी, मतलब भैया 470 या 480 वहां पे भी कट ऑफ जाएगी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स के लिए। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए भी 64 सीट्स है, 570-580 के आसपास में कट ऑफ जाएगी, राइट। अब दूसरा ट्यूशन फीस मैंने आपको टोटल बता दिया कि 10,13,156 रुपए टोटल ट्यूशन फीस था। इनफैक्ट काफी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर के साथ में ये कॉलेजेस हैं, ओके। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीजीडीएमई की वेबसाइट पे होगी। दूसरा हॉस्पिटल मैंने बताया, 650 बेड की हॉस्पिटल प्रेजेंट है एंड कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और बाकी आगे दो मेडिकल कॉलेज और छत्तीसगढ़ के बच रहे हैं, मैं उनकी भी रिव्यू आपके सामने में लेकर के आऊंगा आगे की वीडियोस में कि वहां पे, और उसके बाद में मैं कंपेयर भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज इन तीनों में से आपके लिए बेटर रहेगा। सो आगे के वीडियोज के लिए बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।